लेकिन डर हमको लगा कब, साइड होने के बाद हम भी जब आगे बढ़े तो हम खिड़की से देखे, जब वो हमको देखा ना तब मेरा शरीर का रुआ खड़ा हो गया एकदम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारा नया व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों शीशे आए हुए हैं, शीशे बाजार, थोड़ा सा सब्जी भी ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे सब्जी का दुकान वगैरह लगता है तो थोड़ा रख लेते हैं, कहीं समय मिलेगा तो बना लेंगे। गुमला वगैरह में देखते हैं, पम्प में जगह मिलेगा तो, समय के ऊपर है, आजकल दिन भी छोटा कर रहा है, थोड़ा यही समस्या हो जा रहा है, तो जैसा समय मिलेगा वैसा बना लेंगे। तो दोस्तों हमारा कल का ब्लॉग जो था लेट गया था, उसके क्षमा चाहते हैं। हम लोग को थोड़ा नेट प्रॉब्लम आ जाता है, अब गाड़ी चलता है तो कहीं नेट उट नहीं रहा तो उसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, नेट नहीं मिलता है तो थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी। ठीक है दोस्तों, जाते हैं सब्जी लेने के लिए, देखते हैं क्या मिलता है सब्जी। दोस्तों आए सब्जी लेने के लिए शीशे में, तो गाड़ी में कुछ है नहीं अभी सब्जी बनाने के लिए, ले लेते हैं अभी। ये आलू चुन रहा है, अभी आलू यहाँ 30 रुपये किलो और गोभी है 60 रुपया, तो नया लाल लाल आलू है ना, ये लाल आलू। ये गोभी भी तोला रहे, आलू थोड़ा हरा मिर्ची ले लेंगे, क्या डाल दीजिए। तो दोस्तों अभी बैगन नहीं लिए हैं, देखिए बैगन रखा हुआ है, नहीं लिए हैं बैगन, बैगन तो इस समय नफरत की है, मेरा उस्ताद के लिए बैगन है। दोस्तों सब्जी वगैरह तो ले लिए, शीशे बाजार में लिए है सब्जी, लेकिन यही है कि खाना बनाने का समय नहीं मिल पाएगा आज, क्योंकि वो बता पहले ही बता चुके दिन बहुत छोटा कर रहा है और भी थोड़ा उस काम रहता है तो जल्दी समय बीत जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे भी अब 1 बजने वाला है तो हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा कृष्णा ढाबा है, पहले भी वहाँ खाना खाए हैं, बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ, तो उसी के यहाँ जाते हैं, खाना वाना खा लेते हैं फिर निकलेंगे, देखते हैं अब रात में क्या होता है, बता रहे गाड़ी वाला तो कोई भरोसा नहीं ना। ये हमारा आज का खाना आया, आज पालक, आज मंगाए हैं पालक का सब्जी, मलाई डाल के उसका भी वही सब्जी है, मेरा भी वही है। इतना दिन तक कृष्णा ढाबा बोलते थे हम, आज देखिए कृष्णा भैया भेंट कराते हैं, यही है कृष्णा भैया, बहुत पुराने लोग हमारे पहचान जाएंगे इनको देख करके, कि कृष्णा भैया यही है, कृष्णा ढाबा के हमारे बोलते थे यही है कृष्णा भैया, पहले मुलाकात हुआ था इनका लड़का से होता था, अब ये कृष्णा भैया। ठीक है खाना वाना खाते हैं, पहला पालक साग खा रहे हम लोग होटल में, नया साल अभी नहीं आया है, अबे तो इस साल का हम खाए 4-5 महीने से नहीं खाए हम लोग, तो नया साल नहीं आया इस साल, तो नया इस साल बहुत दिन से नहीं खाया पालक साग, कृष्णा भैया ढाबा में पालक साग खा रहे हम लोग, अच्छा बनता है इसलिए हम लोग मंगाते हैं पालक साग, पालक साग कढ़ी पकौड़ा सारे सब्जी बढ़िया लगता है हम लोग को, हम खाना वाना खा के निकलना भी, सफ़र भी काटना है, दिन छोटा कर रहा है, नहाना धोना थोड़ा सा दिक्कतें हो जा रहा है ठंडा में। आ गए राशन दुकान के, यहाँ सामान लेने, सामान सब खत्म हो गया मेरा, और सरसों तेल दे दीजिए 1 लीटर, हाथी कौन सा है, चलिए 2 पैकेट आटा, आशीर्वाद का 2 पैकेट है, अब ले लेते हैं लोदाम में सामान सब, महाराष्ट्र तक का निश्चित रहेंगे, वापसी हो जाएंगे, थोड़ा वो जो घटेगा अपना लेंगे फिर उधर, ऐसे तो वापसी आ ही जाते हैं। ये मसाला इनका यहाँ पड़ा हुआ है, सारा मसाला, जितना मसाला सब पिसवा सकते हैं अलग से, देखिए जितना मसाला है, ये बड़ी इलायची इसको लोग ढूंढता है कभी कभी नहीं मिलता है, पोस्ता वगैरह सब है, और ये मिक्सर मशीन है, जो चाहे पिसवा लीजिए, चाहे अलग से पिसवाइए अलग अलग, चाहे एक साथ पिसवाइए, कोई दिक्कत नहीं, सब ये दुकान है, यहाँ सारा सामान हम लोग राशन वगैरह मसाला मिल जाता है, और राशन वाला मिक्सर रखता नहीं है तो यहीं पर रखता है, तो ड्राइवर लोग के लिए, तो हम लोग चलो ले लेते हैं मसाला यहाँ से। ये लोदाम बॉर्डर जब पार करते हैं झारखंड तरफ से तो एक ढाबा आता है उससे पहले है, और ये है दुकान के हमारे मालिक, ये दुकान का मालिक, अपना दुकान का नाम दिया है कुछ, हाँ अजय मिनी जनरल स्टोर, अजय मिनी जनरल स्टोर, जनरल स्टोर बहुत बढ़िया है, तो यहीं आते हैं हम लोग, कभी कुछ सामान लेना हो, बाहर भी सामान पड़ा हुआ है, नया गैस वगैरह सब लेते हैं,
अब बाजा वजा भी है इनका, तो वहाँ भी दुकान एक है, बाजा वजा का भी है, ये भी है, चावल एक से एक पड़ा हुआ है। जो मर्जी, जो हम लोग चावल वगैरह सब लेके यहीं से निकलते हैं महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि उधर थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब अपना मनचाहा उसना चावल नहीं मिलता है, अरवा चावल भी ये सब सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, लेते हैं राशन अभी। दोस्तों राशन वगैरह ले लिए लदाम बॉटम जहाँ लेते हैं जो, तो अभी क्या है कि सामान स्टॉक रहने से यहाँ सब सामने सामान दिखता है, जो अच्छा लगा वो ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से लेने के बाद क्या है कि लगभग महाराष्ट्र से वापस आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा दिन कहीं लग गया तो नहीं आ पाया, तो लेना पड़ जाता है रास्ता में तो सामान। वही अभी देखिए शाम भी हो गया, अभी हम लोग जसपुर पहुँचने वाला है, तो देखते हैं आज रात में क्या होता है। लोरो घाट तो खैर ढुल जाएंगे, लोरो घाट पार करके उधर ही कहीं रात का खाना वाना देखेंगे बना उना के, उसके बाद फिर निकल जाएंगे रात में, कुछ सफ़र काटना है क्योंकि कल संडे भी है और दिन भी इतना छोटा करता है ना कि क्या बताएं, तो हर चीज़ देखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, निकलते हैं अभी। दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं खाना बनाने के लिए रात का। तो आज भुंजिया बनेगा आलू फुल गोभी का। तो अभी यहाँ पेट्रोल पंप में रुके हुए हम लोग, तो यही आज रात का खाना बनने वाला है। ये रहेगा भुंजिया और साथ में रोटी रहेगा। दोस्तों आज तो हम लोग को आलू गोभी भुजिया बन रहा है, दिन का होटल हुआ था होटल बाजी, तभी हम लोग रात को खाना बना रहे हैं आलू गोभी का भुजिया। तो आज तो कुछ हो नहीं पाया, खाली नाश्ता में हुआ था ऑमलेट, तो कल बनाएंगे, कुछ सोच के रखे हैं, चिकन उकन बनेगा गाड़ी में। सब्जी बन गया दोस्तों हमारा, अब हम लोग दोनों मिलके रोटी बना रहे हैं। पापा दोस्तों अभी थोड़ा बाहर गए हैं यहाँ पेट्रोल पंप में पता करने के लिए यूरिया का, कि यहाँ यूरिया मिल रहा है या नहीं, थोड़ा गाड़ी में यूरिया कम पड़ गया है। तो आटा सान दिए थे हम, तो रोहित अभी रोटी बेल रहा है, जैसा कि इसका काम है रोटी बेलने का, और हम रोटी सेकते हैं। दोस्तों यहीं पे यूरिया मिल गया तो ले लिए हैं, डाल रहे हैं यूरिया अभी। यूरिया अभी 12% था, तो 12% में तो पहुँचेगा नहीं ना, और रास्ता में हर जगह मिलता भी नहीं है, इधर अभी मिलेगा नहीं, कम से कम धरमजयगढ़ में भी नहीं मिलेगा, उसको पार करके तो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा पता नहीं, जहाँ मिल जाता वहाँ ले लेते हैं। यहीं पर हमें मिला, हमको ले लिया यहीं पे, यहीं पर देखिए इंडियन का पेट्रोल पंप है। ये लोरो घाट के नीचे जो ढाबा है, मतलब लोरो घाट और कुंदकुरी के बीच में, तो इसके यहाँ पर है देखे, तो ले लिए। आइडिया लग गया ना कहाँ कहाँ मिलता है कहाँ कहाँ नहीं, इसी कंपनी का डालना है, एक बार तो डाल के हम फंस चुके हैं, दोबारा वो गलती नहीं करना चाहेंगे, इसीलिए करके हमें इसी कंपनी का डालना है। देखिए ये कंपनी का आता है, एक ब्लू डब्बा आता है इसका, इंडियन का ही लेना है, दूसरा का लेना नहीं है। अब रायपुर में फिर लेंगे, रायपुर में फुल करेंगे, इसमें फुल करके फिर अपना निकलेंगे आगे। दोस्तों ये हमारा खाना आज रात का, आलू गोभी का भुजिया, रोटी, थोड़ा सा अचार भी है, अचार वही पुराना घर वाला है जो घर से लेकर आए थे। ठीक है दोस्तों, खाना वाना खाते हैं अभी, फिर निकलते हैं रात में, देखते हैं सफ़र कहाँ तक होता है, क्योंकि यहाँ कुनकुरी के बाद फिर रास्ता ख़राब आ जाता है, तो वही देखना है, क्योंकि कहीं कहीं रास्ता बना दिया, कहीं ख़राब भी है, तो डस्ट वगैरह गर्दा उर्दा है रात में रहता है। ठीक है दोस्तों, अभी खाना खाते हैं। दोस्तों खाना वाना हो गया हम लोग का, अब प्लानिंग है थोड़ा ख़राब रास्ता को रात में पार कर लेने के लिए, रात में थोड़ा गाड़ी कम मिलता है तो गर्दा उर्दा नहीं उड़ता है उसमें, दिन में बस वाला भी बहुत स्पीड से पार हो जाता है और कुछ गाड़ी भी ज़्यादा मिलता है, रात में उतना गाड़ी नहीं मिलता है, तो वही सोच रहे थोड़ा पार कर लेते हैं गर्दा वाला जो रोड है, अपना फिर उधर फिर दिन में चलेंगे, कल संडे भी है, तो देखते हैं उधर कहाँ तक जाके सोगा। हमको उम्मीद है 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर और अभी चल लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा उधर मेरे लिए। ठीक है दोस्तों, निकलते हैं अभी। दोस्तों अभी वहाँ से आए हैं, 10-12 किलोमीटर चाय यहाँ पीते हैं, हमेशा अच्छा चाय बनाता है, आप लोग देखे हैं बाबा जी को पहले भी, तो यहीं पे चाय वो पीते हैं,
इनका चाय अच्छा लगता है, तो यही लास्ट चाय है। आपको चाय इधर मिलेगा भी नहीं, मिलेगा क्या ऐसा नहीं मिलेगा अच्छा जैसा यहाँ मिलता है। दोस्तों चला तो रहा है अभी गाड़ी, थोड़ा खराब रोड में है, अभी सोच रहे खराब रोड थोड़ा पारी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह उड़ता है दिन में, ऐसा नहीं मिलेगा। रात में थोड़ा गाड़ी कम चलता है ना, थोड़ा सफ़र काट लेंगे, समय कोई खास नहीं होता है, लेकिन ठंडा का दिन है, दिन छोटा करता है, उसके लेकर के हम लोग को समस्या हो जाता है। अब इतना ठंडा तो नहीं है, थोड़ा मालिक का ही प्रेशर रहता है, गाड़ी कम से कम इतना चलना चाहिए। खैर फिर भी हम लोग समझा देते हैं कि खराब रोड था तो रात में नहीं चलते हैं, ये अपना भी तो नुकसान है ना। हम अलावा क्या कि जितना ट्रिप उतना पैसा, ट्रिपे कम लगेगा तो पैसा भी कम बनेगा। यही से देखिए खराब रोड है अभी, थोड़ा लेवलिंग किया है, लेवलिंग नहीं था पहले वैसा, इधर रात में चलने में कोई दिक्कत नहीं है। आटी वाला रोड में है कि रात में नहीं चलता है, जानवर लेके हाथी सब आ जाता है रोड में। मेरा देखिए रात में हम भी पहले चलते थे तो हमको तो अभी जानवर बहुत मिला है, जैसे भालू मिला एक बार, रायगढ़ जो बंजारी मंदिर है वहाँ पर शेर मिला, और एक जगह पर तो हाथी था, तो हाथी हम देख नहीं पाए थे, लेकिन लोग वहाँ सोने नहीं दिया था, सब बोला हाथी आया हुआ, सब जगह पेड़ में इधर उधर आग लगा कर रख दिया था कि आग देख करके हाथी नहीं आएगा इधर। भालू जो है वो खरसिया रोड में मिला हमको, जो पहाड़ी है उधर, और शेर जो है चंद्रपुर मंदिर के पास मिला था, आगे आगे चल रहा था शेर। पर हमको दूर से आइडिया नहीं ले रहा वो है क्या चीज़, उसका चाल देख करके हमको लगा क्या चीज़ भाई, गाय हुई है क्या है, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक गए तो देखे भाई शेर सो शेर ही होता है, मतलब मुड़ के देख नहीं रहा है कि लाइट कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है। बस हम फिर देखे, हमको तब तक हमको डर नहीं लगा, लेकिन डर हमको लगा कब, जब आगे जाकर साइड हो गया, और साइड होने के बाद हम भी जब आगे बढ़े तो हम खिड़की से देखे, जब वो हमको देखा ना तब मेरा शरीर का रुआ खड़ा हो गया एकदम, जब वो शेर हमको देखा तब। अच्छा मेरा आगे का डर नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे उसको देखे वो भी हमको देखा तो शरीर का रुआ खड़ा हो गया एकदम मेरा। फिर वहाँ से गए आगे बंजारी मंदिर था, वहीं रोके, तो वहाँ चाय दुकान था, रात भर खुला रहता था, उसको हम बोले इससे बात है, बोला हाँ इधर है वो पुलिया के उस पार रहेगा, पुलिया किधर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। दोस्तों काफ़ी ख़राब रास्ता पार कर लिए हैं, तो कम से कम थोड़ा सा टेंशन मतलब दूर हो गया। दिन में बहुत ज़्यादा गाड़ी चलता है तो गर्दा वगैरह उड़ता है, पता नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा रास्ता उस्ता तो थोड़ा सफ़र काट लिए तो काफ़ी रात हो गया अभी। तो दोस्तों यहीं पर थोड़ा आराम करेंगे, अब यहीं पर आराम करके सोएंगे, फिर सुबह उठ के चलेंगे यहाँ से, थोड़ा आराम करते हैं। जब पत्थर गांव ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, थोड़ी दूर रह गया है। तो ठीक है दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।